हरे कृष्णा प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो हरे कृष्ण प्रचार केंद्र खूंटी की टीम आज जगन्नाथपुरी मंदिर पे है और श्रीमान जी हमारे साथ हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? परेश झा। तो आप देख सकते हैं परेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भगवद गीता थाम रखी है। जी बिल्कुल। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे कि आज संडे हॉलीडे है और इस दिन ये भगवद गीता क्यों थामे हैं, क्या सोच विचार करके आपने मुझसे भगवद गीता ग्रहण की? देखिए भगवद गीता ग्रहण करने का मकसद एक ही, हमारे यहाँ ये लिखिए 5 पीस होगा और पहला हम आपका कौन कहे मायापुर वहाँ भेज किए तो वहाँ से हम 2-3 किताबें आप कर लिए। भगवद गीता घर में हम लोग रखना पड़ता है, रखना चाहिए जितने यहाँ छोटे बच्चे हैं। लोगों को ये सिखाए कि गीता क्या होता है, रामायण क्या है, कहानी पढ़ के लोगों को सिखाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे गार्जियन अभिभावक ऐसे हैं कि वो अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि गीता क्या है, रामायण क्या है, और इसी को ध्यान पे रखते हुए श्रीमान गीता ग्रहण कर रहे हैं और आगे जा कर के ये घर में अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। ये बहुत ही अच्छी सोच है आज के युग में, इतने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में रहते हुए अगर व्यक्ति ऐसा सोचता है और उसको क्रियान्वित करना चाहता है तो उसका अर्थ यह है कि वह धर्म के प्रति जागरूक है और वो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, वो भगवान की प्रेम में सेवा करना चाहता है। तो इसी तरह से हम लोग हर एक दूसरे लोगों से मिले जो आ रहे हैं, जो जिज्ञासु हैं, और उन्हें भगवद गीता का ज्ञान बांटे जो भारत में सदियों से चला आ रहा है और आज जनमानस में लुप्त प्राय होते जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा, अगर ये मैसेज आपका सर्कुलेट होगा तो कि ये जो हम लोग हर चीज़ सेलिब्रेशन हर चीज़ का करते हैं, गिफ्ट देते हैं, हम मेरा अक्सर हमको लग रहा है कि गिफ्ट में हम गीता रामायण बहुतों को देते हैं, ये देना पड़ता है, देना चाहिए हम, क्योंकि आज के डेट में हम लोगों को हर एक को हिंदुत्व या अपने धर्म होता बचाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जब भी हम लोग गिफ्ट दें, शादी का मौका है, बर्थडे है, पार्टी है, तो हम लोग गीता और रामायण गिफ्ट करें। तो इससे होगा क्या कि हम उसे लंबे समय के लिए कुछ ऐसा देंगे जिसे वो कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, और हमें अगर कुछ भी देते हैं तो उसको समय अवधि के साथ वो नष्ट हो जाएगा, मगर गीता रामायण वो सदियों अपने पास रखेगा और आज न कल उस जीव आत्मा का उद्धार होगा। तो मैं झा जी का बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत थैंक यू शुभ मुहूर्त में भगवद गीता ग्रहण किया। धन्यवाद। हरे कृष्ण।